भालुक क्या हालचाल। तो भालुक आप सभी तनु रावत को तो जानते होंगे, इनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो ऐसा क्या हो गया कि इनको सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ी। तो इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि ये लव जिहाद और छोटे कपड़े पहन माथे पर तिलक लगाकर डांस करती हैं, जिसके बारे में रैंडम सेना को बहुत सारे लोगों ने ईमेल कर टैग किया, जिसके बाद रैंडम सेना ने तनु रावत की टीम को कॉन्टेक्ट किया और उनसे बात करी। इसके बाद तनु रावत का एक वीडियो सामने आया है जिसमे उन्होंने अपोलोजाइज किया और कहा कि वो अब ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगी। इसे देखते ही रावत की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया और हमें रिक्वेस्ट किया हम उन पे एक्शन ना ले। हमने उनके सामने दो कंडीशंस रखा, जिसमें पहला था वो वेस्टर्न क्लोथ पहनने टाइम तिलक ना लगाए और दूसरा वो आज के बाद कभी भी किसी मुस्लिम लड़के के साथ रोमांटिक शूट ना करे। तनु रावत ने रैंडम सेना की हिस्ट्री जानने के बाद हमारे सारे कंडीशंस मान लिए और ये वीडियो डाली। हाय गाइस, मेरे रैंडम सेना वाले भैया से बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया और बताया कि मुझे वाली बात आपको दोबारा से बतानी चाहिए कि चिल और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। और उन्होंने मुझे बताया रैंडम सेना वाले भैया ने कि टीका लगा के वेस्टर्न ड्रेस पहनने में लोगों को गलत मैसेज आता है, मैंने टीका लगा के वेस्टर्न ड्रेस पहनना छोड़ दिया है और आगे से मेरी साइड से किसी भी हिंदू को ठेस नहीं पहुंचने वाली क्योंकि मैं खुद ही प्राउड हिंदू हूं। क्योंकि तनु रावत ने हमारी बात मान ली है तो सभी से रिक्वेस्ट है अब उसे जाके किसी भी तरह की हेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिर में वो भी एक हिंदू। उसके बाद उन्होंने चिल, उनके रिलेशन और उनको सोशल मीडिया पर जो कमेंट आते हैं उनके बारे में भी बात करी है। लगता है कि चिल और तनु, यानी कि चिल एक मॉडर्न लड़का है और तनु जो है एक हिंदू लड़की है, ये दोनों रिलेशनशिप में है। मेरी साइड से कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं गई है कि मेरा और चिल का एक रिश्ता होगा या चिल की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हम दोनों एक शो में मिले थे, हमारी दोस्ती हुई, हमने सिर्फ दो वीडियो साथ में बनाई थी एज अ कंटेंट क्रिएटर क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। और अगर आपने देखे हो तो हमने हमेशा ब्लॉग के लास्ट में बोला है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, आप लोग गलत ना समझो। दो से तीन ब्लॉग है उसके और मेरे और हर ब्लॉग में हमने यही बोला है। अब आते कमेंट्स की बारी। अब जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ उसमें आते कमेंट्स बहुत सारे लोगों के कि ये लव जिहाद चल रहा है, हिंदू लड़की का मॉडर्न बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा तो है और कुछ और भी जो मैं ऐसे शब्द मुंह से निकाल भी सकती, ऐसे शब्द आते हैं। अब फिर मैं उनकी आईडी खोलती हूँ तो उस आईडी पता क्या होता है, फेक आईडी होती है वो, सिर्फ उसमें दो या तीन फॉलोवर होते हैं, उसकी बायो में लिखा रहेगा जय सिया राम जय हिंद। तो आप सभी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।